नमस्कार। द क्वींस गैम्बिट एलिजाबेथ हार्मन के, अगर आप गेम्स देखोगे जो नेटफ्लिक्स के क्वींस गैम्बिट सीरीज में यूज किए हैं उन्होंने, तो उनके पीछे एक स्टोरी है एक्चुअली छोटी सी। बिकॉज अगर आप देखें तो ब्रूस पेंडलफिनी और गैरी कास्परोव जैसे नाम जब जुड़ जाते हैं किसी प्रोजेक्ट के साथ, तो डेफिनेटली उसमें जो गेम सेलेक्ट हुए होंगे वो उनका लेवल बहुत ही अच्छा होगा। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो उनका जब स्टेट चैंपियनशिप हुआ था उस सीरीज में, बेथ हामन वर्सेस हैरी बेल्टिक, वो जो गेम है वो किसका था, उस गेम में क्या हुआ उसको डिटेल में देखेंगे। और एक्चुअली वो बहुत फेमस गेम था, एक बड़े प्लेयर के नाम से हुआ था वो दोनों वो गेम, तो हम लोग उसको देखते हैं और थोड़ी सी उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप देखिए तो ये जो गेम है ये एक्चुअली वो सीन नहीं है जहाँ पे ये गेम हुआ था, वो अलग है, ये दूसरा गेम है उस सीरीज का। बेथ हामन के अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे या अगर आप देखेंगे कि वो कितना संजीदा एक्टिंग करती है उस सीरीज में, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा प्लेयर ही है, राइट। बहरहाल अभी हम गेम की तरफ जाते हैं और उसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि गेम एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सीरीज की बात कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली चेस गेम्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बहुत बढ़िया हुआ था। हम लोग डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और उसको देखेंगे। अभी e4 c6 नाइट टू f3 d5 नाइट टू c3 bg4, कारोकान के टू नाइट वेरिएशन में ये बहुत पॉपुलर चॉइस है bg4 खेलना, राइट। कुछ और वेरिएशंस भी हैं लेकिन bg4 वैसे बहुत कॉमन है। h3 खेला यहाँ पे, बिशप कट f3 क्वीन कट f3 e6। अब यहाँ तक की बात अगर हम देखा जाए तो बहुत कॉमन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे g3 खेला था, g6। हालांकि यहाँ पर एक वेरिएशन जो मुझे पता है, इंस्टेड ऑफ g6 आप एक्चुअली नाइट f6 के लिए जा सकते हो, जिसमें bg2 जो है वो अगर आप खेलते हो तो सिंपली नाइट कट e4 आ रहा है या पॉन कट e4 आ रहा है, दोनों ही सेम है। बिकॉज जैसे ही आप नाइट इन टू मारोगे, नाइट टेक्स क्वीन टेक्स एंड देन क्वीन d5, ये इसका मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक हिसाब से रेफ्यूटेशन है, क्योंकि इसमें क्वीन एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि आप क्वीन कहीं मूव नहीं कर सकते हो बिकॉज bg2 मार रहे हैं, राइट। इसी को अवॉइड करने के लिए एक्चुअली g3 के टाइम पे जब नाइट f6 खेलते हैं तो पहले bg2 खेलने के अलावा वहां पे d3 भी मूव है, जो जिसमें आप वो क्वीन एक्सचेंज वाला वेरिएशन अवॉइड कर सकते हो। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन है जो एक्चुअली हमको देखना चाहिए इसमें। लेकिन बहरहाल गेम में बेल्टिक ने g6 खेला और उनके जो एक्सप्रेशन थे या फिर वो बीच बीच में यॉन करते थे, इतना मतलब जब वो यॉन करते थे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो देखना, पर एज अ प्लेयर आपको ना गुस्सा आती है उस टाइम, क्योंकि अगर आपका ओपोनेंट ऑफ द बोर्ड ट्रिक्स यूज कर रहा है तो। लेकिन सीरीज वाइज वो बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में। bg2 खेला यहाँ पे, bg6 शॉर्ट कैंसल नाइट d7। ऑब्वियसली इस वक्त जो उनका मेन एम है वो है कि सेंटर के स्क्वायर्स कंट्रोल करें, और नाइट तो कभी ना कभी आप e7 पे डेवलप कर ही लोगे। तो बेथ ने यहाँ पे खेला क्वीन e2, जिसमें पॉन टेक्स पॉन थ्रेट अभी है, पॉन टेक्स पॉन हो रहा है, अगर आप पॉन टेक्स मारते हो तो सिंपली नाइट इनटू d5 आ रहा है क्योंकि इसको पिन है। तो यहाँ पर बेल्टिक ने क्विकली d4 खेला नाइट टू b1। हालांकि हम नाइट d1 जा सकते थे, बट b1 के बाद सिंपल आइडिया है कि आप नाइट d3 खेल के नाइट d2 और नाइट c4 जा सकते हो इसमें। सो e5 खेला यहाँ पर बेल्टिक ने, d3 नाइट e7। हालांकि इस गेम की अगर हम बात करें तो ये गेम एक्चुअली बहुत ही फेमस प्लेयर्स के बीच हुआ था 1955 में। लेकिन इस सीरीज में उसको यूज करने का पॉइंट ये था कि आपको अच्छे अच्छे गेम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ सीरीज में या कुछ मूवीज में ऐसे गेम्स दिखाते हैं और चेस वाइज उनका कुछ रिसर्च नहीं रहता है, तो एज अ प्लेयर फिर वो अच्छा नहीं लगता है। बट इसमें जो स्टैंडर्ड है गेम्स का या फिर उनका जो भी उन्होंने एटमोसफियर क्रिएट किया वो बहुत ही प्यारा है। f4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, क्वीन टू c7 a4। फाइनली क्वीन c7 के बाद ब्लैक जो है कोशिश कर रहा है कि लॉन्ग कैसल भी जाए, और व्हाइट स्मार्टली यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने के लिए खेल रहा है a4। सो यहाँ पे शॉर्ट कैसल किया f5। अब ये एक हिसाब से देखा जाए तो किंग साइड अटैक के लिए जा रहे हैं, और अभी आप देखिए कि बोर्ड जो है वो ऐसे डिवाइड हो गया। एक्चुअली आप जनरली हम गेम स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट 4 रैंक हम सोचते हैं कि व्हाइट के लिए और बाकी बचे हुए ब्लैक के लिए, लेकिन इस वक्त बोर्ड जो है वो ऐसे डिवाइड हो गया है डायगनली, तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट किंग साइड बहुत अच्छा अटैक कर सकते हैं। f6 खेला यहाँ पे, नाइट टू d2 बिशप h6। ये बहुत ही स्मार्ट मूव था क्योंकि आप देखिए कि ब्लैक से जो है बिशप इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो बिशप h6 खेल दिया, क्योंकि आप कभी भी नाइट हटाओगे तो बिशप एक्सचेंज हो जाएगा, तो एक अच्छा पॉइंट था। किंग h2 खेला, सेफ्टी फर्स्ट,
किंग एच एट, ये मूव इतना इतना स्ट्रांग नहीं था। हालांकि अगर हम देखें तो एफ इन टू जी सिक्स, एच इन टू जी सिक्स के बाद किंग जो है वो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। नाइट एफ थ्री, बिशप कट सी वन, रुक ए सी वन, बिशप एच सिक्स खेलने का पॉइंट ये था कि उस वक्त जो है ब्लैक ट्राई कर रहे हैं कि रुक बिशप जो है वो एक्सचेंज हो जाए, नाइट सी फाइव, और अब ए फोर मर रहे हैं। तो यहाँ पर वाइट ने जो है वो सी थ्री खेल दिया। एलिजाबेथ के जो स्टार्टिंग जो उनका रहा था सीरीज में वो ये दिखाया था कि वो एक पेरेंट्स नहीं थे उनके, बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, और उसके बाद वो एक शैबल करके एक प्लेयर थे, मतलब एक वहाँ के केयर टेकर थे एक हिसाब से, उनके साथ वो चेस खेलती थी बेसमेंट में जाके, और फिर वहाँ से उन्होंने चेस सीखा और वो एक क्रेजीनेस था उनमें। और एक हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली जहाँ तक लोग बोल रहे हैं वहाँ पे वो फीमेल बॉबी फिशर का पूरा रोल प्ले करें, बिकॉज फिशर के साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो इस सीरीज में बेथ हारमन के साथ दिखाई हुई है। पूरा ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है उसमें, लेकिन हाँ एक स्टोरी बहुत अच्छी उन्होंने गढ़ी है। नाइट बी थ्री खेला, रुक डी वन, रुक ए डी एट, नाइट टू एच फोर। अब किंग साइड अटैक करना ही यहाँ पे वाइट के लिए मस्ट है, बिकॉज क्वीन साइड आप इतना कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो क्वीन सी एट खेला, यहाँ पे बिशप टू एफ थ्री, बिशप एफ थ्री का आइडिया बहुत अच्छा है, बिशप जो है वो अभी एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे बिशप इतना अच्छा नहीं लग रहा था। क्वीन ए सिक्स, बिशप टू जी फोर, क्वीन एफ सेवन एंड देन नाइट एफ थ्री। नाइट एफ थ्री पे अभी सिंपल थ्रेट है कि रुक की फाइल में क्वीन है, तो नाइट इन टू ई फाइव, या मे बी कभी नाइट जी फाइव भी आ सकता है। तो उस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे क्वीन जो है उन्होंने हटा लिया जी एट पे एंड देन एच फोर। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऑलरेडी एच पॉन नहीं है और एच फाइव के बाद जी पॉन भी एक्सचेंज हो जाएंगे, तो किंग का पोजिशन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त तो किंग जी सेवन खेला, रुक टू एफ टू, एफ फाइल में प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है वाइट यहाँ पे, रुक टू डी सिक्स, रुक डी एफ वन एंड देन रुक डी एट। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक्चुअली इतना कुछ मिल नहीं रहा था इसमें, क्योंकि रुक डी सिक्स का जो आइडिया था वो जनरली एफ सिक्स को गार्ड करने का था, बट जैसे ही रुक डबल हुआ नाइट इन टू ई फाइव का थ्रेट था और रुक इन टू एफ एट आ रहा था, इसीलिए रुक वापस लेना पड़ा। और मुझे लगता है ब्लैक ऑलरेडी आउट ऑफ प्लान हो गया यहाँ पे। लेकिन आफ्टर क्वीन सी टू बी सिक्स एच फाइव, अब जो ओनली डिफेंडर है जी सिक्स उसको रिमूव करने के लिए जा रहा है वाइट, सी फाइव, एच कट जी सिक्स, डी कट सी थ्री। अब यहाँ तक की पोजिशन में कोई इतना ज्यादा वाइट को प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बिकॉज वाइट का किंग एक हिसाब से सेफ है। आप किंग आ सकते हो इधर जी टू पे, रुक एच वन, और ब्लैक का किंग इतना अच्छा नहीं लग रहा है, नाइट एच फोर अभी भी आ रहा है। सो यहाँ पे बी कट सी थ्री मारा, क्वीन कट सी थ्री का कोई पॉइंट नहीं था बिकॉज डी फोर स्क्वायर चला जाता उसमें, इसीलिए ये जरूरी है कि आप इसको कंट्रोल करो। सो यहाँ पे सी फोर खेला, ब्लैक जो है वो ट्राई कर रहा है कि क्वीन साइड कुछ काउंटर बन जाए, डी फोर, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, नाइट इनटू डी फोर, ये एक पॉन सैक्रिफाइस दिया, बिकॉज यहाँ पे जो है जरूरी ये है कि किंग साइड में कॉम्प्लिकेशंस बने रहे, ना कि आप क्वीन साइड में कुछ काउंटर क्रिएट करने दो, राइट। सो यहाँ पे नाइट इनटू डी फोर मारा, रुक इनटू डी फोर एंड ई फाइव, फाइनली ब्रेक आ गया। जी सिक्स अभी भी बोर्ड पे अवेलेबल है, किंग जी सेवन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्वीन जी एट भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही ब्लैक के पास क्वीन साइड में थ्री वर्सेज वन पॉन फॉर्मेशन है, लेकिन डेफिनेटली व्हाइट के पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे उनका थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता रहता है गेम में, जो सीरीज में दिखाया हुआ है, हालांकि ऐसा अलाउड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो और चेस में जब टूर्नामेंट होती है तो, बट वो एक सीरीज के हिसाब से या फिर फिल्म के हिसाब से वो उनको दिखाना है कि वहाँ पर बहुत सारी जो बातचीत हो रही है, जो एक्चुअली हम लोग जो सोचते हैं वो बहुत बार वो बोल रहे हैं बोर्ड्स में। तो हालांकि देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन चेस वाइज वो उतना ये नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें गेम की, तो यहाँ पर जो है ब्लैक ने फाइव खेला, और मुझे जहाँ तक याद है बेथ यहाँ पे उनको कुछ बोल रही थी कि ये पोजीशन अभी ज़्यादा देर बचने नहीं वाली है और ये लॉस्ट ही है, लेकिन बेल्टिक थोड़े नर्वस हो रहे थे, नाराज़ हो रहे थे और बोल रहे थे जस्ट मूव, राइट। सो एफ फाइव के बाद यहाँ पे बिशप इनटू एफ फाइव मारा, क्वीन कट, क्वीन डी फाइव एंड देन बिशप ई सिक्स, और इस वक्त वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। और डेफिनेटली ये जो गेम है वो नज़मुद्दीन और राशिद का गेम है, नज़मुद्दीन सबको पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, उनका एक जो क्वीन सेक्रीफाइस वाला गेम है वो इतना प्यारा है कि आपको उनके गेम्स देख के बिल्कुल जो अटैकिंग स्टाइल के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनकी याद आ जाएंगी। हालांकि नज़मुद्दीन के बहुत ज़्यादा गेम्स लोगों ने ये नहीं किया है एनालाइज, या फिर उतना उनके नाम को हाइप नहीं मिला जितना बाकी प्लेयर्स को था, लेकिन नज़मुद्दीन का स्टाइल बहुत ही अच्छा था, राइट।
रुक एच एट खेला यहाँ पे बिशप एच थ्री एंड नाइट जी सिक्स। अब ये पोजीशन ऐसी है जहां पे आप बोल सकते हो कि थोड़ा रुक के अगर चेक करोगे तो आप चेक करिए क्या हो रहा है, बिकॉज ये यहाँ से वाइट सिंपली फिनिश कर सकता है और अगले दो तीन मूव में ये गेम फिनिश होने वाला है, जो कि उस सीरीज में भी दिखाया हुआ है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो नाइट इन टू जी सिक्स के बाद यहाँ पे जो है रुक एफ सेवन चेक आ रहा है, किंग एच सिक्स, एंड देन आप थोड़ा गेस करिए कि क्या हो रहा है, बिकॉज जिस हिसाब से बेथ ने, एलिजाबेथ ने इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्वीन जी सिक्स खेला था, वो डेफिनेटली उस गेम में भी हुआ था, नाज़मुद्दीनों वाले गेम में जो 1955 में हुआ था। ये जो सीरीज है वो वॉल्टर ट्रेविस ने 1983 में लिखी थी, उसके ऊपर नॉवेल लिखा था एक। अब आज जाके 2020 में जाके उस पर एक सीरीज बनी है नेटफ्लिक्स ने और वो इतनी पसंद की जा रही है, उसका जो भी सेटअप है, जो भी उन्होंने जो उन्होंने जो दायरा उन्होंने वहाँ पे किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है एक करिश्मा है, राइट। सो डेफिनेटली उनकी एक्टिंग, डायरेक्शन और साथ ही साथ इस ये जो गेम से सिलेक्ट करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिकॉज उससे ही मुझे लगता है ज़्यादा चेस प्लेयर्स को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जो जो गेम्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, इसके पहले मैंने एक गेम डाला था जो कि मर्फी का गेम था, सबको याद होगा मर्फी का एक बहुत फेमस गेम है जिसमें वो क्वीन सेक्रीफाइस देके मेट कर देते हैं रुक डी8, तो वो भी गेम उन्होंने डाला है। उसके अलावा भी बहुत सारे गेम हुए, कुछ युआन चुक के गेम है, तो डेफिनेटली मैं एक एक करके उसको लाने वाला हूँ। मैंने अभी तक कुछ पार्ट्स देखे हैं, पूरा जब मैं देख लूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास सब गेम्स आ जाएंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है उसमें, और साथ साथ चेस के बहुत अच्छे गेम्स हैं तो वो भी एक अच्छा है, और कास्पारोव का उसमें होना हर चेस प्लेयर के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि आपको एटलीस्ट गेम तो अच्छे मिलेंगे। तो जो फाइनल पोजीशन थे, जैसे कि ये तो उनका दूसरा गेम था, ये भी मैं कोशिश करूंगा अगर वहाँ पे पूरा अवेलेबल है तो, लेकिन अगर एलिजाबेथ की बात करें तो उनकी एक्टिंग बहुत ही सही थी, और गेम वाइज अगर हम बात करें तो नाज़मुद्दीनों का गेम सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी सीरीज में, राइट। बहुत जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, बाय, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और फिर जबरदस्त रहो।